अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बिरयानी की थोड़ी ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आलू जो है ना, हमने इनको फ्राई कर लिया था काट के बड़े बड़े, और ये मामू बिरयानी है। और इसकी ट्रिक यही होता है कि गोश्त को जो है ना, हम लोग इस तरह भगो देते हैं, ये देखो ना, मसालों वगैरह के साथ। ये भी पानी इसमें डल जाएगा आप इसमें। तो जो लोग बिरयानी बनाना चाहते हैं तो अपनी पसंद के मसाले, हमने इसके अंदर जो है बिरयानी पैकेट मसाला डाला है, टिक्का मसाला डाला है, बिरयानी कबाब मसाला डाला है, कई तंदूरी मसाले, थोड़े जायफल, जावित्री, ये सारी चीज़ें ली हैं। और प्याज ब्राउन हो गई थी तो हमने ये डाल दिया था। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अहमद मूसा को भेजा था बैक यार्ड में पुदीना तोड़ने के लिए, क्योंकि अहमद मूसा ब्लॉग भी बन रहा है, गार्डन भी बन रहा है, तो अहमद मूसा इसको जड़ समेत थोड़े के लिए आए। तो पुदीना एक ऐसी चीज़ है, इसकी गंडियाँ भी लग जाती हैं, तो इसी तरह से बिरयानी की जान होता है पुदीना, ये ज़रूर रहता है। तो मैंने कहा ये शार्ड भी आप लोगों को दिखा दें। बाकी ये देख लें आप, आलू डाल दिए इसके अंदर। अब चावल डालेंगे इसके अंदर। दोस्तों हमने एक घंटे के लिए चावलों को भगो दिया था, तकरीबन एक घंटे भिगे हैं। अब इसके वैसे ही कच्चे ही डाल दिए, तो बता दिया जाएगा। ये आम चावल है जो दाल चावल वगैरह के बनते हैं, वो ही चावल जी। दोस्तों इस कंडीशन में हम ये चावल डालना है कच्चे, और इसके अंदर कोई हमने उबाले नहीं है, कच्चे चावल हैं। देख लें कच्चे चावल हमने धो के इसी पानी में ये बन जाएंगे। दोस्तों बस ये इसके ऊपर हमने ये मसाला भी डाल दिया, और इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे इस तरह करके, अच्छे से मिक्स करके, और ऊपर से पक्का ढकना ढक देंगे। तो फिर इसको तेज़ आँच पे हम बनाएंगे थोड़ा थोड़ा, बस कोई पानी नहीं डालेगा, यही पानी इसी में ये बन गया। दोस्तों ऑलरेडी 7 मिनट हो गए, पतीले की पोजीशन भी चेंज करते रहा करें, उसके भी बड़ा फर्क पड़ता है। पतीले की ना कंडीशन जो है ना चेंज करते हैं, वो एक तरह से पक जाते हैं, फिर एक तरह से कच्चे रह जाते। हमने कलर भी डाल दिया और अब इसको दम पे लगा देंगे। दोस्तों अब हम इसको थोड़ा सा देख रहे हैं मिक्स करके कि क्या कंडीशन है। कैमरे पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो थोड़ा सा दम अभी और लगेगा, कैमरा करीब लेके जाए बेटा। दोस्तों आज वेनिसडे है और मेरी छुट्टी है, दिन का 1 बज गया है। अहमद मूसा और बाहर बारिश भी हो रही है, और अहमद मूसा ये कह रहे थे कि लंच में जो है टिक्का बिरयानी बनाए तो बिरयानी बड़ी शानदार तैयार होगी। और ये घर के जो रेगुलर चावल होते हैं, दाल चावल वगैरह बनाएं या जो भी बनाएं, ये वही चावल लिए गए हैं, बेहतरीन लजीज मैंने चखी है। काफ़ी शाड आप लोगों ने बना दिया है, बारिश का दूरी ज़रूर पड़ा करें जब भी बारिश हो। सुभान अल्लाह दोस्तों, बड़ी लजीज बिरयानी बनी है, वो भी अंदर से टेस्टी है। और ये देखें बहुत ये लग गया इसको अंदर में, बड़ी अंदर से टेस्टी है। बाद दफ़ा ऐसा होता है हड्डियों पे फूल लगा ले जाता है, ठीक है ना। ओह माय गॉड, वाओ, तो ये हड्डियों पे फूल नहीं, ये देखें कि टोटल 20 से 22 मिनट में बेहतरीन लजीज बिरयानी तैयार। इसी तरह से बनाए, उबालने की जरूरत नहीं, कच्चे चावल में बनाए। नेक्स्ट टू सब्सक्राइब लाइक शेयर बटन की तो बाय लव यू।